एक लड़का होता है वो कोठे पर जाता है। अब कोठा मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां पर देह व्यापार होता है। वहां पर जब जाता है तो वहां पे उसके सामने दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की उस लड़के की बहन भी होती है। अब जब ये देखता है ना तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वो। फिर अपनी ही बहन के साथ वो रूम में जाता है और रूम में से फिर वापस निकलता है और एंट्री होती है पुलिस की। लेकिन उसकी बहन कोठे तक पहुंची कैसी? ये घटना बहुत ही ज्यादा दर्द भरी है। किस प्रकार से वो कोठे पर पहुंचती है और किस प्रकार से शोषण होता है उसका, ये देखिए। ये रियल लाइफ की घटना है, और वैसे भी मैं जो भी बताता हूं रियल लाइफ की होती है, लेकिन ये सीखने वाली बात है। देखिए कि उस लड़की के साथ कितनी घिनौनी वारदात होती है और पुलिस आकर के क्या करती है। ये दर्द भरी कहानी शुरू होती है 2014 से 2015 के बीच में, लेकिन ये घटना का उजागर जब होता है, जब सबको पता चलता है, वो वक्त होता है 2018 में। इतने सालों लड़की फंसी रहती है, लड़की का शोषण होता रहता है और वो दर्द झेलती रहती है। दरअसल ये घटना तब की है जब एक अशोक खलीफा नाम का व्यक्ति एक लड़की को उसी के गांव से, गांव का नाम होता है सीतामढ़ी गांव, ये बिहार में पड़ता है, बिहार के सिवहार जिले में, तो इसी के गांव से एक लड़की को भगा करके अशोक खलीफा नाम का शख्स लेकर के अपने गांव जाता है, अपने शहर जाता है। वो जहां लेकर के उस लड़की को जाता है उस जगह का नाम बखरी होता है। अब देखिए यहां पर एक बताने वाली चीज ये है कि जब ये लड़की भागती है अशोक खलीफा के साथ में, तो हम आपको ये नहीं बता पाएंगे कि वो लड़की प्रेम में भागी थी या फिर क्यों भागी थी, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि अशोक खलीफा के साथ वो लड़की अपने घर को छोड़ करके भागती है, भाग करके अशोक खलीफा जहां रहता है वहां पर चली जाती है। लेकिन घटना की शुरुआत, लड़की की जिंदगी का नरक यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा नरक जो कि किसी ने न सोचा था, न समझा था, न जाना था। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़की का एक बेटा भी है। अब वो लड़की भागने के बाद बेटा पैदा हुआ या फिर पहले से बेटा है ये भी नहीं पता, क्योंकि आर्टिकल्स में बहुत चीजें नहीं दी हुई हैं। लड़की का नाम तक छुपाया गया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि लड़की अभी जीवित है तो उसे जीने का अधिकार है, और आपको पता है लोगों को पता चलता है तो वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। खैर, हम घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक, लड़की जब उसके यहाँ पहुंच जाती है तो कुछ पल तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाता है। लड़की कमरे में बंद हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ शोषण चालू हो जाता है। जो अशोक खलीफा होता है, जो भगा करके ले गया होता है, असल में वो उस लड़की से धंधा करवाने लगता है। धंधा का तात्पर्य आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी एक कोठा पर रख देता है, अपने ही घर को कोठा बना लेता है, हम साफ शब्दों में ये भी कह सकते हैं। अब लड़की का निरंतर जीवन यही चलने लगा। उसके साथ जोर जबरदस्ती होती थी, पहले तो उसे बेहोश किया जाता था, फिर शोषण होता था, फिर उसके बाद ऐसे ही शोषण होने लगा। लड़की को घर से बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी, लड़की घुट रही थी, मर रही थी, पर उसे रहना घर ही में था। वो मदद के लिए भी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अगर वो आसपास के लोगों को बताती तो अशोक खलीफा जो था, क्योंकि वो आदमी था तो उसकी जान पहचान थी, ऐसे अंडर में थी वो कि वो किसी से कहती, वो फिर अशोक खलीफा से कहता, और फिर अशोक खलीफा उस लड़की पे ज्यादा सख्ती कर देता कि उसे खिड़की से भी बाहर नहीं देखना है, ऐसा कुछ कर देता। तो वो डरती थी, क्या करती, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक दिन एक ऐसा शख्स आता है जो इस घटनाक्रम को
बदलने की ताकत रखता है। एक दिन इसी गली में एक फेरी वाला आता है। फेरी वाला जो कपड़े देते हैं, सामान देते हैं, गली गली घूम करके सब सामान बेचते हैं। अब ये फेरी वाला गली में चिल्ला रहा है, कपड़े ले लो, या फिर कुछ भी बेच रहा था। ऊपर से जो लड़की होती है वो देखती है। लड़की का नाम प्रतिमा आर्टिकल में बताया गया है, लेकिन आर्टिकल में भी ये नाम बदल करके लिखा गया है। यानी लड़की का नाम ओरिजिनल प्रतिमा नहीं है, बस प्रतिमा रखा गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला बहुत कुछ छुपाया गया है, जो कि अच्छी बात है। खैर, हम प्रतिमा ही कहते हैं। प्रतिमा ऊपर से देखती है फेरी वाले को, और फेरी वाले को धीरे से पहचान जाती है। फिर फेरी वाले से वो कहती है कि अरे, मैंने तो आपको कहीं देखा है, मैं तो आपको पहचानती हूँ। तो फेरी वाला भी देखता है जब प्रतिमा के साइड, तो फेरी वाला भी कहता है कि हाँ, मैं भी आपको पहचानता हूँ। और फिर प्रतिमा सूझबूझ के अनुसार फेरी वाले को चुपके से अपना नंबर दे देती है, क्योंकि यही उसके पास एक अंतिम उपाय था। फेरी वाला भी नंबर ले लेता है। अब दोनों के पास एक दूसरे का नंबर हो जाता है। धीरे धीरे फेरी वाला और उसमें प्रतिमा में बातें चलती हैं, और बातों के अनुसार जो प्रतिमा होती है वो बताती है कि मेरे साथ ये हो रहा है। प्रतिमा जो कहती है दिल दहला देने वाला था। प्रतिमा कहती है फेरी वाले से कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है, बेहोशी की दवा दी जा रही है, सोने के बाद जबरदस्ती हो रही है, अब तो ऐसे भी हो रही है, और ये लगातार चलती आ रही है। जब फेरी वाला ये सब बातें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। देखिए, जो फेरी वाला होता है वो प्रतिमा के गांव का ही होता है, इसीलिए ये एक दूसरे को पहचान जाते हैं। पहचान हो गई, सब कुछ हो गया। अब फेरी वाला अपने गांव पर रिटर्न जाता है, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता था कि ये प्रतिमा यहीं पे रहती है और ऐसा उसके साथ हो रहा है। फेरी वाला देर ना करते हुए लड़के के घर पे जाता है, प्रतिमा के घर पे जाता है, प्रतिमा के घर पे सब कुछ बताता है। अब यहां पर होता है एक भयंकर संदेह। घर वाले सोचते हैं कि ये क्या मैं सुन रहा हूं, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा नहीं होता। उन्हें ये तो पता होता है कि प्रतिमा भाग चुकी है, लेकिन इतना कोई नहीं सोचता कि ये भी हो रहा होगा उसके साथ, जब से वो भागी है, जब से वो घर से निकली है। अब यहां पर शोषण हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे परिवार वालों को पता चलता है जब, तो परिवार वाले जाते हैं, निकल जाते हैं प्रतिमा को छुड़ाने। वो सभी लोग बेगूसराय पहुंच जाते हैं। दरअसल बेगूसराय के ही एक जगह पे ले गया होता है प्रतिमा को, और वहीं पे ये सब चल रहा होता है। सभी लोग बेगूसराय पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अब एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के तहत लड़का जो उसका भाई था वो कस्टमर बनता है, और फिर अशोक खलीफा के पास पहुंचता है कस्टमर बन के, क्योंकि अशोक खलीफा को तो कुछ पता नहीं था कि ये इसका भाई ही है। इसी के तहत अशोक खलीफा लेकर के जाता है। अशोक खलीफा को 200 रुपए उसका भाई देता है, और 200 में ही डील फिक्स होती है। और उसके बाद उसका भाई कस्टमर बनके जब अंदर जाता है अशोक खलीफा के साथ, तो वहां पर दो लड़कियां आकर के खड़ी होती हैं। यहां पर उसका भाई कुछ नहीं कहता, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, उसके मन में बहुत कुछ चलता है, क्योंकि उसमें से एक उसकी बहन भी होती है। अशोक खलीफा कहता है कि इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लो। तो जो भाई होता है वो सिलेक्ट अपनी ही बहन को करता है। फिर उसके बाद भाई बहन दोनों रूम में जाते हैं, रूम में कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अशोक खलीफा अभी कुछ उसको पता ना चले, इसलिए टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था। तो वो लोग जाते हैं रूम में, टाइम स्पेंड करते हैं, और वहाँ पे भाई जो होता है वो प्रतिमा को बोलता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं यूं ही गया, 10-15 मिनट में पुलिस के साथ यहाँ पर पहुँचूंगा। क्योंकि यहाँ पर अच्छे से सूझबूझ के साथ उसका भाई काम करता है। अगर वो पहले बता देता, पहले वहाँ पे हल्ला हो जाता, तो हो सकता है कि अशोक खलीफा जो है उस पर हमला कर देता, या फिर ये भी हो सकता था कि किसी को बहुत बुरी चोट आ जाए, या फिर मौत भी हो जाए, क्योंकि ऐसी बातें ही थी। तो यहाँ पर भाई सूझबूझ के साथ बहन को बोल करके वापस जाता है। जाने के बाद फिर पुलिस में वो लोग जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके पिता, जो प्रतिमा के पिता होते हैं, वो रिपोर्ट लिखवाते हैं। FIR दर्ज होती है, और उसके बाद फिर पुलिस निकलती है उसी कोठे की तरफ।
भखरी थाने की पुलिस, उस दिन बुधवार था और पुलिस निकली, जाकर के छापा मारा, वहां पर दो लड़कियां मिलती हैं और दो में से एक जो बिहार की थी, जो कि प्रतिमा ही थी, और दूसरी झारखंड की निकलती है। आपको पता है कि बिहार में से ही टुकड़ा होकर के झारखंड को बनाया गया है, यानी एक तरह से वो बिहार, या फिर कह ही लेते हैं कि बिहार और झारखंड की निकलती हैं। दोनों लड़कियों को आज़ाद करवाया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस तुरंत ही उस लड़की का मेडिकल करवाती है और उसी दिन उसको कोर्ट में भी लेकर जाया जाता है। कोर्ट में लड़की अपना बयान देती है, स्टेटमेंट सब कुछ रिकॉर्ड होता है और उसके बाद पुलिस उस लड़की को उसके भाई और उसके परिवार वालों को सौंप देती है। प्रतिमा अपने घर पे आ जाती है, झारखंड वाली लड़की अपने साइड चली जाती है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन वो भी छूट जाती है। अब पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करती है, नसीमा खातून। अब नसीमा खातून भी इसी सब षड्यंत्र में शामिल थी, दो ही लोग वहाँ पे काम ये सब करवा रहे थे, एक नसीमा खातून और एक अशोक खलीफा। तो अशोक खलीफा जो होता है वो भाग जाता है, नसीमा खातून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादा अशोक खलीफा के बारे में ज़्यादा बातें डिटेल्ड में नहीं कहीं आर्टिकल्स में लिखी गई हैं, पुलिस में भी उसको पकड़ ही लेती है, मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ वो छूट जाती हैं लड़कियाँ दोनों। अब देखिए ये स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी है, ठीक है, अपने से बनाई हुई स्टोरी नहीं है और ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। ज़रूरत है तो ये सब स्टोरीज़ जो आप सुन रहे हो इसको शेयर करिए, फैलाइए, दिखाइए कि आजकल के ज़माने में ये सब भी होता है और ये सब से लोग बच के रहें। खैर, क्योंकि ये 2014-15 तक की स्टोरी है तो उस समय इतना मीडिया तो नहीं थी, डिजिटल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करती थी ज़्यादा, इसीलिए ये स्टोरी ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ही प्रिंट मीडिया ने इसे प्रिंट किया है। आजकल ये घटना होती तो तूफान मच जाता, क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा है, प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, और अगर चाहते हो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिले तो जुड़ जाइए। बाकी आज्ञा दीजिए। राम राम। मैं हूँ अंकित सिंह।